फोर, यूनिट फोर पढ़ने जा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जो ये चैप्टर जो है वह नीट हो, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, इधर बोर्ड हो, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनाना भी आसान है और हर साल इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर या टॉपिक जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। तो हम लोग देखते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएंगे तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, ट्रैजेक्टरी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा, ये सब जानना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ऑलरेडी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है दिया हुआ रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में जो है चार्ज को हम लोग अगर मोशन कराते हैं तो फोर्स किस तरह से लगेगा, यही हम लोग को पढ़ना है। मान लिया जाए यह रूम है, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, चार्ज पार्टिकल को देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम रखते हैं और रेस्ट में रहता है तो उस चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे उस चार्ज पार्टिकल को हम गति देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसको थ्रो करते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। किधर होता है? जिस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी डायरेक्शन हैं जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को गति दिया जाए, मोशन कराया जाए, तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इस रूम में पॉइंट चार्ज लाएंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। जब थ्रो करने के बाद हम पाते हैं कि जिस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, जिसके वजह से उसका पाथ जो है वह डिविएट हो जाता है। वह फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स। लेकिन एक सिंगल डायरेक्शन भी ऐसा है जिसमें चार्ज पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं, उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है, नो एनी डिफ्लेक्शन इन पॉइंट चार्ज। तो डेट डायरेक्शन कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक वेक्टर पैरामीटर है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, मेजर करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए ई वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए बी वेक्टर है। तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रैकेट में बी वेक्टर। पहले हम लोग बी वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे कि जिस स्पेस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। मान लो कि यह स्पेस है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे। व्हेन पॉइंट चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑब्जर्वर फाइंड फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट, फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इस फोर्स क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स कहेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा लगता है इसलिए डिफ्लेक्शन फोर्स, बट इन सिंगल डायरेक्शन पॉइंट चार्ज इज प्रोजेक्टेड नो एनी डिफ्लेक्शन फोर्स, डिफ्लेक्शन एक्ट ऑन इट। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे इसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड करें, ठीक है, मैं फिर लिख सकता है। अब क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे परस की, ठीक है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम लोग को पता है सीधा कहाँ है, ऊपर के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर के ऊपर। चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, कितना एंगल बना करके, तो जो फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स। ये है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स, ठीक है। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, मॉड ऑफ ही कॉस थीटा, इधर क्या होगा, मॉड ऑफ ही इसको कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या हो गया, है ना। तो हम देखते हैं मैग्नीट्यूड
ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रैकेट में बी वेक्टर का मैग्नेट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स बाय क्या होगा चार्ज चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से डिवीजन कर दो समझ गया देखो यहाँ वेलोसिटी का जो दो कंपोनेंट है यह वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा तो वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके चलते चार्ज पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि चार्ज पर उसी वेलोसिटी चलते फोर्स लगेगा जो वेलोसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो नो एनी डिफ्लेक्शन कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बस ये दिखाया है परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी पैरेलल भी परपेंडिकुलर हां नहीं करता तो ऐसे कैसे हो बी हो गया भी परपेंडिकुलर यहाँ लिखना चाहिए तो वहाँ लिख दिया यहाँ लिखना चाहिए भी परपेंडिकुलर भी पैरेलल हो गया भी परपेंडिकुलर क्या लगा कि बी के पैरेलल है कहाँ कैसे लिखा रखता है अब देखो तो बी मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड अपॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मॉड ऑफ ही साइन तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स बराबर क्यू का मैग्नीट्यूड भी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अब इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू भी एरो हटा दें मॉड हट जाएगा कहने का मतलब मॉड ऑफ क्यू का मतलब है प्लस चार्ज आएगा तभी यही फोर्स लगेगा माइनस चार्ज आएगा तब भी यही फोर्स लगेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्यू भी साइन हाँ चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव होने से डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का तो फॉर्मूला ही लगेगा इसलिए मॉड डाल दिया क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखते हैं एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू भी क्रॉस ठीक है अब भी से बी घूमेंगे भी से राइट हैंड थंब रोटेशन कर लेंगे भी क्रॉस बी मैंने भी से किधर तरफ घूमना है भी से बी के तरफ थंब किधर जाएगा हमारे तरफ आता हूँ इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा डॉट लगा देगा यानी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगेगा भी और बी जो है बोर्ड के प्लेन में है और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी भी से भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और बी से भी कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है आपकी तरफ हियर मैग्नेटिक फोर्स
इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी वेक्टर एंड वी और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन में क्या होगा परपेंडिकुलर लगेगा। अब क्या होगा दैट इज एफ मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू भी और क्या हो जाएगा दोनों के क्या होगा प्लेन के जब परपेंडिकुलर है होगा ना तो दिस इंप्लाइज एफ मैग्नेटिक डॉट भी पूछा है तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट अभी ना क्रॉस में पढ़ा साइन डॉट में क्या आता है कॉस तो क्या होगा कॉस कॉस का यहाँ परपेंडिकुलर पर कॉस के वैल्यू क्या आएगा परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर का कॉस का वैल्यू क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर का एंगल क्या डिग्री बनेगा 90 डिग्री कॉस 90 कॉस 90 क्या होगा साइन 0 बोलो कॉस 90 0 होगा परपेंडिकुलर है तो कॉस का वैल्यू 0 आएगा तो एफ मैग्नेटिक डॉट बी और F magnetic dot A A dot B ये सब क्या होगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो होता है cos 90 जीरो होता है कोई पूछे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो cos का वैल्यू उसमें क्या है क्या कहेंगे 90 कॉस का वैल्यू क्या है कॉस का वैल्यू 90 कहेंगे कॉस का वैल्यू 0 कहेंगे एंगल पूछेगा तो 90 कहेंगे एंगल पूछेगा तो क्या कहेंगे 90 कॉस का वैल्यू पूछेगा तो क्या कहेंगे 0 इसका मतलब एफ मैग्नेटिक डॉट बी एफ मैग्नेटिक डॉट बी और ए डॉट क्या आएगा 0 आएगा क्यों आएगा क्योंकि तीनों वेक्टर जो आए थे फोर्स का डायरेक्शन एक्सलेशन के डायरेक्शन में तो फोर्स के जब परपेंडिकुलर होगा तो एक्सलेशन पर भी क्या होगा क्या होगा एक्सलेशन पर भी क्या होगा एक्सलेशन और बी के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री 90 तो फोर्स परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री एंगल बनेगा तो फोर्स परपेंडिकुलर होगा खुद को एक्सलेशन बी एक दूसरे पर क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा एंगल पूछेगा तो 90 मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जवाब दिया जाता है पर ये दोनों एक दूसरे पर क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा दोनों के बीच का एंगल क्या होगा तो 90 होगा दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा तो 0 होगा। अब देखो केस फर्स्ट इफ बी पैरेलल टू बी और बी क्या है दूसरे के पैरेलल या बी और बी एक दूसरे क्या है एंटी पैरेलल तब क्या इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल बी का मानो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है चार्ज पार्टिकल कहाँ फेंक रहे हैं नीचे की तरफ एंगल क्या बन जाएगा थीटा बराबर 180 बी ऊपर की तरफ है और बी भी कहाँ है ऊपर की तरफ प्लस चार्ज प्लस क्यू को फेंक रहे हैं कहाँ फोर्स लग जाएगा एंगल क्या बन जाएगा थीटा
और दोनों केस में क्या होगा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू जी साइन जीरो का होता है, साइन जीरो ठीक से सोचो उसके बाद बोलो, साइन जीरो जीरो साइन फाइव क्या होता है, इसका मतलब दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर थ्रो करेंगे पैरेलल आइदर एंटी पैरेलल, तो दोनों केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कोई फोर्स जब लगवे नहीं किया तो जिस डायरेक्शन में फेंके उस डायरेक्शन में चलते चला जाएगा। इसका मतलब है इन दिस केस इस अवस्था में मोशन ऑफ पॉइंट चार्ज इन स्ट्रेट लाइन पाथ, कैसा पाथ में चलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। चलिए इफ धी परपेंडिकुलर टू देन थीटा क्या बन जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मान लो कि बी जो है तुम्हारे प्रपात्र, क्या है तुम्हारे प्रपात्र, कौन है बी, और यहाँ से चार पार्ट के को भी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका है, राइट हैंड थंब रूल तो है ये है, बी तुम्हारे तरफ आता हुआ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो भी से बी घूमेंगे तो भी इधर है, बी तुम्हारे तरफ है, थंब कहाँ जाएगा, नीचे नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, रहा है। दूसरा तरीका है लेफ्ट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग का, इसको कहते हैं बी, ये वाला नंबर ऐसे करो या मुझे सीधा करो, ऐसे तीनों सीधा करो, इसको कहते हैं बी, ठीक है। ये होता है बी का डायरेक्शन, ये बताएगा क्या चीज, फोर्स। देखो बी तुम्हारे तरफ आता हुआ है, वेलोसिटी इधर की तरफ, देखो फोर्स कहाँ लग गया, नीचे की तरफ, कहाँ से तुम किया, हाँ लेफ्ट हैंड रूल करो, बी को उधर करो, लेफ्ट किससे हाथ खाना नहीं खाता है, लेफ्ट, तो बी हो गया तुम्हारा उधर, अगर उसमें दिक्कत होता है, चलो थोड़ा काम, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में दिक्कत होता है, राइट हैंड पाम रूल समझो। देखो पाम सबसे आसान नहीं है, इसी पे यूज करने जा रहा है, राइट हैंड जैसे हाँ खाना खाता हो राइट हैंड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया बी, क्या हो गया ये बी, फोर फिंगर हो गया बी, थंब क्या हो गया, फोर्स। देखो बी कहाँ है, बाहर की तरफ, ऐसे हाथ करें ऐसे, देखो बी बाहर की तरफ है, चार अंगुली इधर है, प्रसिद्ध है सन फोर्स कहाँ लग गया, नीचे, आसानी नहीं, नीचे समझ गया। अब बताओ कि जिसके वजह से अब चार पार्टिकल क्या करेगा, मतलब सिटी के जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो चार पार्टिकल किस में घूम जाता है, सर्किल में घूम जाता है, और सर्किल का सेंटर हमेशा होगा जिस लाइन पर फोर्स लगेगा ना, उसी फोर्स के डायरेक्शन में सर्किल का सेंटर, सर्किल का जिस लाइन पर फोर्स है सर्किल का सेंटर। अब मान लो चार पार्ट के लिए, हाँ आ गया, वेलोसिटी कहाँ हो जाएगा, लॉन्ग टेंजेंट नीचे,
अब देखो वेलोसिटी कहाँ है नीचे, देखो फोर्स इधर लाया कि नहीं, बी तुम्हारे तरफ आता हुआ है, हिसाब करो बी तुम्हारे तरफ आता हुआ है, वेलोसिटी कहाँ है नीचे, फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, हाँ फोर्स अभी यहाँ आ गया, वेलोसिटी क्या हो गया लॉन्ग टेंजेंट होगा, अब फोर्स देखो तो ऊपर तरफ लग रहा है, याद रखो बी किधर हो गया वेलोसिटी हो गया, बी तुम्हारे तरफ आता हुआ है, फोर्स कहाँ लग गया हमेशा वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल नाम के लिए, अगर यहाँ आ गया कहाँ चला गया, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बी कहाँ है तुम्हारे तरफ आता है, बी वेलोसिटी पर है, बी तुम्हारे तरफ आता है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, समझ गया तरीका है, इसका मतलब चार पार्टिकल इन दिस केस, इन दिस केस पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज इज रोटेटेड इन इन सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, किस स्पीड से कॉन्स्टेंट स्पीड, तो दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन करेगा सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, समझ गया, इसका मतलब है कि अगर भी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज का पाथ कैसा होगा सर्कुलर होगा, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ गया, अब इसका रेडियस क्या होगा, आर बराबर मान लो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा, अब रिजल्टेंट फॉर टुवर्ड द सेंटर मास गुना सेंट्रीपिटल है ना, कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, सेंटर पर लगने वाला कौन फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ना, क्यू ए साइन नाइनटी, साइन नाइनटी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय क्या होगा, अब यहाँ से वी से वी कट जाएगा, कट जाएगा क्यू एम वी बाय क्या होगा आर बराबर क्या होगा एम वी बाय क्यू रेडियस ऑफ सर्किल में चार पार्ट की सर्किल में घूमेगा, चलिए पहले टर्म का होगा देखो मोमेंटम पे टर्म आर बराबर एम वी बाई क्यू वी है ना, एम वी को मोमेंटम कहेंगे और हम लोग पढ़े ना काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़ा था पी एस स्क्वायर बाई टू एम याद आया है, पर मास ना कर रहे थे एम स्क्वायर बी एस स्क्वायर नहीं याद है कितना नाम लिख दो आप एम बी स्क्वायर तो एम स्क्वायर कर देंगे तो बाई एम कर देंगे यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तो पी बराबर आई एट कैसे रिप्रेजेंट करो इंटू टू एम क्या हो जाएगा आर बराबर एम भी बाई क्यू भी रूट अंडर टू के एम बाई कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, अगर कोई चार्ज यहाँ का पोटेंशियल है जीरो यहाँ पोटेंशियल है कोई चार्ज जानता
रेक्टिफिकेशन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल मान ले v1 लेस देन क्या है v2 लेस देन v1 है, हां इधर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा चार्ज को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो क्या जैसे आगे की तरफ चार्ज बढ़ेगा वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा मतलब कौन सा एनर्जी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जब चार्ज यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा q into v1 होगा यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा q into v2 एनर्जी तो घट गया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बराबर गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक है ना अब क्या लिखेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल वी वन माइनस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखो इनपुट ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पीडी पीडी को क्या मान लो डी पीडी होगा ना काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू गुना चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस से गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कर जाएगा ठीक है ठीक है नाउ करके लिख लेंगे अब हम क्या लिखेंगे रेडियस प्लस लिखो तो अब क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का तीन फॉर्मूला ए तीन फॉर्मूला का दिया रहा था आर बराबर एम वी बाई क्यूबिक बराबर रूट अंडर टू के एम बाई क्यूबिक अब के जा पर रख दो चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस
टू क्यू डी एम बाय, यही जो है फॉर्मूला यूज का, ठीक है, टाइम टेकन बाय पॉइंट चार्ज इन वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कितना टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस चलेगा, टू पाई आर चलेगा, तो टू पाई आर भाई क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, तो टू पाई आर बराबर निकाल चुके हैं एम वी बाय कट गया टू पाई एम बाय, ये देखो तो टाइम जो है स्पीड से इंडिपेंडेंट है, किस भी स्पीड से फेंक है, चार्ज मास सेम रहना चाहिए, सेम फील्ड में, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इन डिपेंडेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज, डिपेंडेंट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज, स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट किसी भी स्पीड से फेंकेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रिवॉल्यूशन में टाइम जलाएगा क्या लगेगा, सेम लगेगा, हाँ रेडियस अलग अलग होगा, रेडियस डिपेंड्स ऑन स्पीड, बड़ा स्पीड से फेंकेंगे बड़ा रेडियस में घूमेगा, छोटा स्पीड से फेंकेंगे छोटा रेडियस में घूमेगा, लेकिन टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, समझ गया, तो अच्छा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, वन बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी अपॉन टू पाई लड़ जाएगा ना, केस थर्ड, केस थर्ड, इफ एंगल बिटवीन वी एंड बी इज इक्वल टू मान लो B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एंगल क्या है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक हो जाएगा B पैरेलल और दूसरा होगा परपेंडिकुलर B साइन थीटा और B पैरेलल B ऐसे लिख रहा सही से क्यू चार्ज है मास, ठीक है, अब इस वेलोसिटी के ज्यादा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमेगा और इस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, इसका देखो पाथ कैसे बनेगा, बी किधर है, बी ऊपर है तुम्हारा वेलोसिटी इधर है, बी कहाँ है, ऊपर की तरफ, हाथ कर रहे ऊपर राइट हैंड, हाँ इसे खाता लिखता राइट हैंड, बी कहाँ फॉर्म में हो गया, बी ऊपर तुम्हारे तरफ लगा फोर्स, तुम्हारे तरफ फोर्स मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऐसे जाएगा तो चार पार्टिकल ऐसे घूमेगा,
चार्ज पार्टिकल का पाथ जो होगा ऐसा होगा, अलग कलर दिखा देगा और ऊपर भी चलते चल जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि इस वेलोसिटी के चलते घूमेगा भी और ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ घूमते हुए, घूमते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं रहता तो देखिए घूमते रहता। इस पाथ को क्या कहते हैं? हेलिक्स पाथ। कौन सा पाथ? हेलिक्स पाथ। हेलिक्स किस पाथ को बोलेगा? यूनिफॉर्म हेलिक्स। ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म हेलिक्स पाथ। समझ गया? तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा? रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म हेलिक्स इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस, इस अवस्था में पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एज रोटेटेड इन यूनिट फॉर हेलिक्स। कैसा पाथ में? हेलिक्स पाथ। यूनिफॉर्म हेलिक्स पाथ में घूमेगा। कोई पूछ दे कि चार्ज पार्टिकल थ्रो इन मैग्नेटिक फील्ड, कुछ न करे, पाथ कैसा होगा? सर्किलर, स्ट्रेट लाइन, हेलिक्स, नन ऑफ दीज। क्या कहेगा? हेलिक्स, हेलिक्स पाथ। कुछ नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर कहेगा तो सर्किल, पैरेलल कहेगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कुछ तो कर नहीं रहा है, तो जनरल पाथ क्या होगा? हेलिक्स। हेलिक्स किस भी एंगल से देख सकते हैं। समझ गया? अब जो हो गया रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म हेलिक्स बराबर क्या हो गया? आर, आर बराबर एम। तो भी परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है अपॉन कितना क्यू भी? भी परपेंडिकुलर क्या है? एम ए साइन थीटा। समझ गया? टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा? टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन बराबर की, अब चीज जान करते हो, टू पाई एम अपॉन, उसको तो स्पीड से मतलब है नहीं। चलिए ठीक है, देखो अब हेलिक्स पास जा रहा है ना, चार्ज पार्टिकल थ्रो इन मैग्नेटिक फील्ड, पूछ दे पाथ कैसा होगा? कुछ कहे नहीं, परपेंडिकुलर कहेगा तो कैसे, क्या कहेगा? परपेंडिकुलर सर, सर्किल। मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग फेंका तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अभी तो पढ़ा रहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बी के पैरेलल या बी के एंटी पैरेलल, तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। बी के पैरेलल या बी के एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग करंट देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन, कोई फोर्स नहीं मिलेगा। परपेंडिकुलर कहेगा सर, कुछ नहीं कहेगा तो हेलिक्स। तीनों को तो बातें याद रखना, चार्ज पार्टिकल थ्रो इन मैग्नेटिक फील्ड, कुछ नहीं कह रहा हेलिक्स, कह दिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर, कह दिया लॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तीनों को तो बातें याद रखना। अब देखो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट इन वन रिवॉल्यूशन, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया वन रिवॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं पिच, पी आई टी सी एच। क्या कहते हैं इसको? पिच, पिच। समझिएगा पिच कितना हो जाएगा? बराबर भी पैरेलल इनटू वन रिवॉल्यूशन में टाइम की लगेगा, पिच बराबर भी पैरेलल क्या है? भी कॉस थीटा। टाइम क्या है? टू पाई एम अपॉन, तो पिच क्या हो गया? बराबर टू पाई एम
ही कॉस थीटा अपॉन ये इसका पीछे समझ में आ गया चलिए।